परमाणु परीक्षण के कारण विश्व पर अपनी अलग पहचान बना चुके पोकरण कस्बे से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में बसे इस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नगर रुणीचा धाम, जिसे लोग रामदेवरा कहते हैं। ये पवित्र तीर्थ स्थान भगवान श्री कृष्ण के उस अवतार का है जिन्हें संसार बाबा रामदेव और राम साबीर कहता है। साल में दो बार रामदेवरा में भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है, शुक्ल पक्ष में तथा भादवा में, और माघ में दूध से लेकर दशमी तक मेला भरता है। भादवा के महीने में राजस्थान के किसी सड़क मार्ग पर निकला जाए तो सफेद रंग की या पचरंगी ध्वजा को हाथ में लेकर सैकड़ों जत्थे रामदेवरा की ओर जाते नजर आते हैं। इन जत्थों में सभी आयु वर्ग के नौजवान, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष और बच्चे पूरे उत्साह से बिना थके अनवरत चलते रहते हैं। हमारे लिए सब कुछ बाबू ही है। मैं आज नौकरी कर रही हूँ तो इस बाबे ही देने हमारे हर तरह से परास्त हो चुके हो, हताश हो गए हो, मेरी नौकरी कोई चांस को नहीं, खत्म हो गया मतलब। तो बाबे मतलब रामदेवरा में जाऊँ तो मतलब जो भी कच्चा में काम करते हो बाबे रे गयो पाछो है वही छूट गयो, इमें तू है, इमें तू है, हर जगह तू ही तू है। अगले साल अगर नौकरी नहीं लगी तो सारी जिंदगी में आऊँ कौन, में ना थार सामने देखूँ कभी आई जी कहो क्यों क्या जा रही हो बैठे कहीं पड़ी है तो। लेकिन पाछो भाव दया भी सुनो 10 दिन पहले मारी नौकरी लग गई जब हमारे लिए सब कुछ हो ही जाए मतलब अंदाता मान लो जो कुछ है पर। और 25 फेरी रामदेवरा की सिर्फ पानी पर, क्यों उस टाइम थोड़ा आतंक भी था मतलब हर तरह की समस्या थी। भक्ति में आते हैं तो थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और मतलब परेशानी भी ऐसी आई कि हर तरह से मतलब मेरा व्यवहार अच्छा, सब कुछ मेरे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी भक्ति में आने के बाद में हर कोई दुश्मन बनता गया। लेकिन समय था वो मैं समझ रहा था मेरे लिए समय ख़राब है, क्यों हर महीने चालू कर दिया ना तो भगवान के करीब जाऊँगा इतना एक बार तो दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि मीरा बाई का इतिहास उठा के देख लो, मतलब जो भी है भगत बना उसका इतिहास उठा के देख लो, वो जो भी अच्छे थे लेकिन भक्ति में गए उसके बाद में उनका एक बार तो मतलब रोड पे आना ही पड़ा उनको। वो नरसिंह मेहता वो भी बढ़िया था जात का, सब कुछ था उसके पास, लेकिन भक्ति माने के बाद उसको भी रोड पे आना पड़ा, सब कुछ कहाँ गया पता ही नहीं उसका। राजा हरिश्चंद्र राजा थे वो, तो उनको भक्ति माने के बाद सबको मैंने सोच लिया कि भक्ति में आए हूँ तो मेरा ये हाल तो होना है, मेरे भी राजघराने में आटांग है नौकरी है, लेकिन फिर भी मतलब कहते हैं ना मारवाड़ी में चिलडा चुके जिस हो गयो, एक एक रुपये मोहताज हो गयो, लेकिन वो वक्त ऐसा ही था। लेकिन अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे लाइन में आने लगी है, क्योंकि मैं समझ गया कि ये सब कुछ इसकी देन है कि कृष्ण भगवान की तरफ जो भी बढ़ता है ना उसको एक बार तो तकलीफ होती होती है कि ये कृष्ण भगवान का आज का नहीं पुराना इतिहास चला आ रहा है, मेरी टाइम से नहीं है। किसी ने जिंदगी बिता दी उसकी चौकट पर और कह दिया कि ये जिंदगी तेरे नाम, और उसका क्या कहना है, क्योंकि जितना दिया मेरे ठाकुर जी ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है इनकी वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा रामदेव के जयकारे गुंजायमान करते हुए ये जत्थे मीलों लंबी यात्रा कर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और साथ लेकर गई ध्वजाओं को मुख्य मंदिर में चढ़ा देते हैं। समाज में अस्पृश्यता सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलग जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ। मगर एक ऐसा पूर्ण महापुरुष जिसने जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया और कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया,
जिसे मुसलमान रामसा पीर नाम मानकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं, तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव मानकर अपने आप को पापों से मुक्त मानते हैं। वर्तमान मंदिर के गर्भगृह में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है। इस स्थान पर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं दीवार में यानी आले में अखंड ज्योति जलती है। इस ज्योति से प्राप्त अंजन नेत्र में लगाने से समस्त प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 समाधियां हैं, बीच बाबा रामदेव जी की व आसपास में दादा श्री रणसी जी व माता मैणादी की समाधियां हैं। रामदेव जी जब बाल्यावस्था में थे तब इस पेड़ के नीचे उन्हें एक नवजात शिशु मिला था। यह एक बच्ची थी। रामदेव जी ने इस बच्ची को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और नाम दिया डालीबाई। ये पेड़ अब डालीबाई की जाल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि डालीबाई बाबा की परम भक्त थी। जब बाबा ने समाधि लेने का निर्णय लिया तो समाधि खुद कर तैयार हो गई। तो डालीबाई ने कहा, प्रभु पहले मैं समाधि लूंगी और यह जो समाधि खोदी गई है यह मेरी है, आप दूसरी खुदवाइए। तब अन्य लोगों ने कहा कि आपकी समाधि होने का क्या प्रमाण है। थोड़ी और खोदने को कहा और बताया कि अगर इस समाधि में 8 डोरी कांसी यानी कंगी व सिर में गूंथने का सूत निकले तो यह समाधि आप लोग मेरी मानना। तब ऐसा करने पर डालीबाई द्वारा बताए प्रमाण मिल गए। तब उस समाधि में डालीबाई विराजमान हो गई। इनकी समाधि बाबा रामदेव जी की समाधि से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बाबा रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब जन साधारण को पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से खुदवाया था। इस राम सरोवर में भक्तगण स्नान लाभ लेकर बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। वर्तमान रामदेवरा से पहले रुणीचा गांव ही आबाद था, जहां बाबा रामदेव जी ने अपनी लीलाएं की थी। लेकिन राम सरोवर की पाल पर बाबा के समाधि लेने के बाद उनके वंशजों ने वर्तमान रामदेवरा गांव बसाया था और रुणीचा गांव उजड़ गया। लेकिन कई भक्तगणों को असलियत आज भी मालूम नहीं है, जो कि रामदेवरा को ही रुणीचा कहते हैं। वर्तमान में रुणीचा में रुणीचा कुआ, एक धर्मशाला व एक मंदिर है। जिन लोगों को जानकारी है वे लोग आज भी दर्शन लाभ लेते हैं। यह कुआ स्वयं बाबा रामदेव जी के हाथों द्वारा निर्मित है। पेयजल का अन्य स्रोत न होने के कारण लोगों ने इसकी सार संभाल रखी है, मगर अब नलकूप होने की वजह से इसका जल दोहन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बाबा रामदेवरा से ये पुराना धाम है। यहाँ पे सर्वप्रथम बाबा रामदेव पोखरण में भैरव को मारने के बाद में रामदेव बाबा और डालीबाई की यहाँ पे बैठक रहती थी। जब वो पांच पीरों को पता चला कि भारत भूमि में एक ऐसा अवतार हुआ है जो मरे हुए को जिंदा करता है, जब 5 पीर आपस में बातचीत हुई तो पीरों ने वो नीम के 5 दांतन लिए और ज़मीन के अंदर गाड़ के बोल लिया कि रामदेव शक्ति और दासव का पीपल बनना चाहिए। जब वो 5 पीपल के झाड़ निकले उस टाइम के लिए जो सूखी लकड़ी पड़ी हो है, बाद में नया पेड़ है, आज भाई वो पर्चा चल रहा है, मैन डाले इसके 5 है, अभी वही भी पर्चा चल रहा है, उसी के जड़ के ऊपर निकली हुई है। फिर वो रामदेव बाबा ने बोला कि हमारे द्वारा आए हो मेहमान हो, कुछ भोजन पर्चा दिखाओ। तो पीर बोले हम तो हमारे धाम से करके आएंगे, करके आए हैं, वापस जाके करेंगे। तो फिर रामदेव ने बोला कि हमारे जो कोई मेहमान आता है हमारा भी नेम है, हम भूखे नहीं जाने देते। तो पीरों ने रामदेव बाबा को थकाने की वापस कोशिश की और बोले अगर हमारा मक्के से वो 5 बर्तन रह गए, वो आप अगर लेके आओ तो हम भोजन कर लेंगे। तो बाबा ने बोला आपका कटोरा मैं लाऊंगा, लेकिन भोजन आपको यहाँ करना पड़ेगा। जब बाबा ने हाँ भरी तो पीरों ने बोला कोई बात नहीं, हमारा जो आप कटोरा लेके आओ तो हम भोजन कर लेंगे यहाँ पे। फिर वो बाबा ने बोला आप हमारा मक्का मदीना आपका देखा हुआ नहीं है, अब मक्का मदीना दिशा बताओ, मैं कटोरा लाने के लिए आगे जाऊंगा। जो पीरों ने वो वैसे हाथ लंबे किए, बाबा ने बोले कौन सा इस दिशा पे, पीरों ने जैसे हाथ वापस किए तो कटोरा के साथ में आगे खड़े हो गए थे। तो पीर बोले हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर, हम सब पीर हो। उस दिन से बाबा यहाँ से रमा पीर बने थे। 5 मुस्लिम साधु बाबा से यहाँ मिले थे। यह स्थान रामदेवरा से 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ है। यहाँ एक तालाब, मंदिर व पीरों द्वारा उगाई गई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी मौजूद है। यहीं पर बाबा को पीरों ने रामा पीर की उपाधि दी थी।
एक बार मक्का से 5 पीर रामदेव जी को परखने आए। वे एक चादर पर बैठ के आ रहे थे। रामदेव जी जंगल में अपने नीले घोड़े को घास चरा रहे थे। पीर नीचे उतरे और रामदेव जी से पूछताछ की। पीरों ने कुछ चमत्कार भी दिखाए, जैसे दातुन की डालियों को जमीन में गाड़कर 5 पीपली के पेड़ बनाना आदि। बाबा ने यह शांति से देखा। इसके बाद रामदेव जी ने उन्हें भोजन के लिए कहा। पीरों ने कहा कि हम तुम्हारे बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, हम अपने बर्तन तो मक्का में ही भूल आए हैं। तब प्रभु ने हाथ लंबा किया और उनके वे 5 कटोरे मक्का से लाकर पल भर में ही उनके सामने रख दिए। 5 पीर प्रभु के चरणों में गिर पड़े, वो माफी मांगने लगे और कहा, मैं तो केवल पीर हां और थे पीरा का पीर। रोटी पानी की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्यों मुझे पता है ये पशु पक्षी है, ये अपने साथ लेके थोड़ी चलते हैं, ये सब उसके भरोसे ही चल रहे हैं, तो मैं भी उसके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मुझे अब तो इतना विश्वास हो गया है कि मुझे भूख लगेगी तो मुझे पता है अपने आप खाना आएगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो तू जाने, मुझे नहीं पता। मुझे मैं थक गया तो मुझे पता है अब कहाँ सोना है, वो तू जाने। मेरा मन होता है यार यहाँ सो जाऊँ, अपने आप मन कह देता है यहाँ नहीं, आगे हो सकता है तेरे लिए अच्छी जगह तय कर रखी उसने, आगे जाता हूँ बाकायदे अच्छी जगह मिलती है। लेकिन विश्वास करना पड़ता है, विश्वास के लिए आदमी को बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपना सब कुछ खोने के बाद में थोड़ा थोड़ा वो अपने करीब बुलाता है। वैसे नहीं कि वो तो चाहता है नारगी कीड़ा नर्ग में जीता रहे, जन्म मनम कर जन्मे और मरता रहे, मेरे पास नहीं आए कोई। लेकिन जब हट्टी कर लेता है फिर वो उसको आना पड़ेगा, आदमी तो कर लाएगा। सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन रामदेव जी की चरणों की पूजा होती है। सौंप दिया सारा जीवन बाबा तेरे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो हे बाबा तुम्हारे चरणों में।